तो गाइस ये देखो, तो ये पूरा इसको खोल के किसी के बस की नहीं है। इसके साथ अपनी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। ये देखो खूबसूरत लग रहा है, येलो कलर। गाइस कैसे आप सब, होप करता हूँ बहुत बढ़िया होगे हमारी तरह। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आए हुए हैं फिर से अभिषेक भाई के पास। इनका फ़ोन आया था कि आपके मैट रेडी हो गए हैं, तो आप आ जाओ गाड़ी लेके। कल मैं किसी वजह से आ नहीं पाया था, तो आज दोबारा से आए हैं। देखो फिटिंग चल रही है अभी। ये देखो पीछे भी कुछ इस तरह से फिटिंग चल रही है। भैया खुद ही लगे हुए हैं आज, कह रहे मैं ही खुद फिट करता हूँ। चलो ये देखो आगे का कुछ भैया हो गया, ये कंप्लीट है आगे का। तो गाइस ये देखो इधर का भी कर फिटिंग, देखो क्या ही खूबसूरत लग रहा है, वाह मज़ा आ गया। तो गाइस ये देखो ये फुट मैट तो लग चुके हैं भाई, क्या फिटिंग आई है, एकदम प्रॉपर फिट की है भाई ने, प्रॉपर फिटिंग का बनाया बिल्कुल। ये देखो पीछे वाला, ये बैक वाला, ये मैट भी सही से नहीं बैठा है, ये वाला मैट सही से नहीं बैठा, ये बैठा उधर वाला थोड़ा सेट नहीं बैठा भैया कह रहे हैं। लेकिन ये देखो प्रॉपर फिटिंग बिल्कुल, पीछे वाला भी ऊपर तक बिल्कुल पूरा, आगे वाला भी। सीट खुल गई है, सीट ऊपर लेके गए हैं वो रिपेयरिंग के लिए, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। ये देखो क्या ही फिटिंग आई है, बढ़िया ब्यूटीफुल। तो गाइस ये सीट ऊपर आ गई है, ले आए हैं भैया वर्कशॉप में। तो ये पूरा इसको खोल के कुछ इस तरह से खोल रहे हैं, देखो पूरा सीट को खोल के ओपन करके। और ये वाला पार्ट इसका इतना सा हिस्सा जो है, ये पीस दूसरा लग जाएगा, नया लग जाएगा। ये देखो ये भैया कटिंग कर रहे हैं उसी पीस की, ये वो वाला फैब्रिक है सेम हमारे वाला ना, जो हमारी सीट है। ये देखो ये सेम फैब्रिक है, ये वाला सेम, जो डिज़ाइन इस पर है वही सेम डिज़ाइन इस पर है। तो गाइस ये कुछ इस तरह से देखो, ये भैया सिलाई कर रहे हैं इसको, ये पीस उन्होंने जो काटे थे अभी, ये इधर सिलाई कर दी है इसके साथ। भाई ये लग ही नहीं रहा कि इन्होंने दूसरे पीस लगा रहे हैं, लगे हैं जैसे, सेम वही लग रहा है देखो। तो गाइस ये देखो ये वेंटिलेटेड सीट से है। ये देखो इसके नीचे ना ये लगा होता है, सारा सिस्टम लगा होता है, वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं ये। इसके अंदर सीट के अंदर ना नीचे ऊपर साइडों पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठंडी हवा आती है जब एसी चलाते हैं ना, तो ये वेंट ये लगा हुआ है, देखो मोटर लगी हुई है ये सीट में, वेंटिलेटेड सीट्स है ये, बड़ा मज़ा आता है भाई ये, बिल्कुल कमर घूमर ये वो सब ठंडा हो जाता है एकदम पीछे से, ये सिस्टम लगा हुआ है इधर ये। तो गाइस ये देखो भैया ने अपनी गाड़ी, होंडा है ये आई वी टेक, इंटीरियर बनाया हुआ है इन्होंने अपनी गाड़ी का। ये देखो ये भैया बताएंगे अब, ये क्या ही बढ़िया लग रहा है यार, क्या खूबसूरत लग रहा है, येलो कलर। तो भैया ये क्या सोच के आपने मतलब बनाया था ये सब? भैया आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इंटीरियर को डिफरेंट मांगती है, और अगर गाड़ी पुरानी हो आपकी, अगर आपके पास कार पुरानी हो तो हम बिल्कुल उसको नया लुक दे देते हैं। जैसे ये गाड़ी 2009 मॉडल है, लेकिन इस गाड़ी का इंटीरियर का हाल बहुत बुरा था। अच्छा। तो मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, ब्लैक और येलो कलर में कॉम्बिनेशन। इसके सीट कवर, इसके डोर पैनल, इसकी रूफ, इसका नीचे का मैट, इसका कारपेट, इसका स्टीयरिंग, इसका डैशबोर्ड, कम्प्लीटली इसका पूरा इंटीरियर कर चुका हूँ मैं। तो गाड़ी बिल्कुल डिफरेंट लगती है, अंदर से बिल्कुल ब्रांड न्यू लगती है, बाहर से आपकी गाड़ी जैसे मर्जी दिखे लेकिन अंदर से आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू दिखेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। वाकई। अच्छा इसका कलर जैसे आपने येलो और ब्लैक रखा हुआ है, तो कोई और डिफरेंट अगर कोई कलर कराना चाहे तो और कलर भी चेंज भी हो सकता है ना, है ना? बहुत सारे कलर, जो मर्जी कलर करवाइए। इसमें एक हमने लोगो भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, लोगो को भी थोड़ा सा दिखाइएगा भैया साथ में। ये अगर एक हमने लोगो दिया हुआ है साथ में एम्ब्रॉयडरी करके, तो इस तरह से अगर लोगो भी चाहेंगे तो अलग अलग लोगो भी बना सकते हैं हम। अच्छा ये बड़ी खूबसूरत लग रही है भाई गाड़ी ना, बड़ा ही प्यारा लग रहा है इंटीरियर। ये देखो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना इस इंटीरियर के बारे में, आपको कैसे लगा, क्या हुआ ये जैसे येलो और ब्लैक बनाया हो ना भैया ने, ये कह रहे हैं येलो ब्लैक के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन और कोई कलर कोई कराना चाहे कुछ भी हो जाएगा इसके साथ, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है भाई, मज़ा आ गया देख।
गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, ये देखो फुटपाथ का स्टेयरिंग कवर, तो मैंने इसी इन्हीं से बनवाया था ये भी। और बड़े रीजनेबल से पैसे लेते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेते, खैर रीजनेबल से ही लेते हैं। मज़ा आ गया भाई। तो गाइस प्लीज़ और रबर लगवा भी आ रही है, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और भाई का नंबर मैंने पिछली वीडियो में दे ही दिया था, अगर कुछ काम करवाना है अभिषेक भाई से तो इनसे फ़ोन करके तो कॉन्टैक्ट कर लेना, टाइम ले लेना, भाई से टाइम लेना पड़ता है पहले, क्योंकि इनके पास टाइम की थोड़ा टाइम का इशू है, तो इनसे थोड़ा सा टाइम लेके आना है, ऐसे नहीं आना। ए भाई से ना कल मैंने भी टाइम लेके, मैंने कहा यार जो कल भी नहीं बढ़ाए इन्होंने मैट, अरे भैया थोड़ा सा मैं बिज़ी था, तो आज इन्होंने मेरे को स्पेशली फ़ोन किया कि आज वो मैट रेडी हो गए हैं, तो थोड़ा सा जब भी आओ इनको फ़ोन कर लो, फ़ोन करके आना इनके पास, जैसा मर्जी इंटीरियर करवा लो, जो मर्जी काम करवा लो, एक नंबर काम करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना प्लीज़, और सब्सक्राइब जिन्होंने किया वो सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय।